एसएम लर्निंग पथ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। क्लास 9 का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 लॉ ऑफ इंडेसेस का 2 नंबर जो सरल करे हैं उसमें के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक नंबर प्रश्न क्या है, देखिए 8a^3 डिवाइड बाई 27x-3, अब पूरे का पावर क्या है 2/3 इंटू 64a^3 डिवाइड बाई 27x-3 और पूरे का पावर क्या है -2/3। अच्छा ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 को ब्रेक करेंगे तो इसको क्या होगा 2^3 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर 1^3 डिवाइड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3^3 x-3 जैसे उसे हम लिख देंगे। फिर देखिए पूरे का पावर क्या दिया हुआ है 2/3 इंटू, इसको भी उसी तरह से लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे 4^3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे क्या होगा 3^3 और ये जैसे वैसे उतार देंगे x-3 और पूरे का पावर क्या दे रखा है -2/3। अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2^3 a^3 अपॉन डिवाइड के लिए अपॉन का साइन और 3^3 और x-3 इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं। अब पूरे का पावर मेरा क्या दिया हुआ है 2/3 इंटू, इसको भी उसी तरह से लिख लेंगे 4^3 a^3 अपॉन 3^3 x-3 और पूरे का पावर क्या है -2/3, ठीक है। देखिए उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x क्या है -3 है यहाँ पे पावर और यहाँ पर भी x-3 पावर है, तो इसको अगर माइनस में है तो हम इसको जो है ऊपर ले जा सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए 2^3 a^3 और इसको जो है अगर हर में ऊपर आंसर नीचे हर, तो हर में अगर नंबर किसी भी नंबर पर पावर अगर -3 रहे चाहे -4 चाहे कोई भी पावर रहे माइनस में तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं अंश में तो वो क्या हो जाता है प्लस में आ जाएगा पावर, तो उसको हम ऊपर ले जा करके इसको प्लस में पावर लिख देंगे, x-3 क्या हो जाएगा 3, ठीक है। नीचे मेरा क्या बच गया 3^3, इसी तरह से इधर भी करेंगे 4^3 है मेरे पास पहले से a^3, नीचे में हम लिखेंगे 3^3 और x-3 है तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा क्या हो जाएगा x-3, ठीक। प्लस में ले जाने के लिए जो है ऊपर हम ले जा सकते हैं और इसका जो है एक फार्मूला भी है, किसी भी नंबर का पावर अगर माइनस में रहे, ठीक है, x-3 अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या था -3 तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x-3, ठीक है। तो यहाँ पे जब उल्टा होगा तो ये ऊपर में चला जाएगा, ठीक है, अगर प्लस में रहेगा तो माइनस में ले जाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा नीचे में लाना पड़ेगा 1^x-3, इस तरह से जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पूरे का पावर 2/3 और यहाँ पे क्या था -2/3, ठीक है। यहाँ पे देखिए पावर जो है क्या है कॉमन है, ठीक है, यहाँ पे जो है 3 कॉमन है तो यहाँ क्या बच गया 2ax, ठीक है, और नीचे में है 3, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन लेता हूँ तो 2/3 इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर भी सेम उसी तरह से करेंगे तो यहाँ पर भी जो है क्या है 3 कॉमन है 4a(x) लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 3 और यहाँ पे कॉमन क्या हो जाएगा 3 × -2/3, तो यहाँ 3 से 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया वन बार में। तो अब क्या हुआ मेरे पास, देखिए अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर भी जो है पावर 2 शेष रह गया और यहाँ पर भी जो है -2 शेष रह गया, तो ये 2 सबके लिए है तो सब पे बैठा देंगे 2^2 × a^2 × x^2
और नीचे में भी जो है आपका लिख देंगे यहाँ पे 3 का पावर 2, ठीक है, इनटू यहाँ पर भी उसी तरह से इसको भी तोड़ लेते हैं, 2 का पावर 2, और ये माइनस आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का पावर -4, ठीक है। फिर यहाँ पे 1 का पावर -2 इनटू फिर x का पावर -2 अपॉन में क्या लिख देंगे, 3 का पावर -2, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई में तो देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई के रूप में जब दो नंबर का बेस जो है सेम रहेगा तो उसमें गुना में पावर जो है क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 और 2 मैच कर रहा है, और ए मैच कर रहा है, और एक्स और एक्स मैच कर रहा है, सभी मल्टीप्लाई में है तो सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए कैसे जोड़ेंगे, तो 2 का पावर क्या है, यहाँ 2 है तो मल्टीप्लाई में क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा 2, और यहाँ पर क्या है -4, तो बीच में प्लस और ये -4, ठीक है। उसी तरह से ए का करेंगे इनटू a का पावर 2 प्लस -2, उसी तरह से फिर x का करेंगे क्या है, पावर 2 और फिर प्लस -2, ठीक है। तो देखिए और नीचे में पूरे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी सेम उसी करेंगे, 3 का पावर 2 प्लस -2। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा -4, और यहाँ पे इनटू ए का पावर क्या हो जाएगा 2 प्लस -2 हो जाएगा, और इनटू यहाँ पर भी हो जाएगा 2 का पावर -2, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए 3 का पावर 2 का पावर प्लस -2, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि प्लस माइनस में दो नंबर रहने पर जो है हम उसको काट सकते हैं, तो देखिए ये प्लस और माइनस से कट गया, ये भी कट गया और नीचे भी कट गया, तो ऊपर में मेरा क्या रह गया, देखिए 2 का पावर -2 और ए का पावर कुछ नहीं रहा, तो इसका मतलब ए का पावर 0, और फिर एक्स का पावर मेरा क्या हो गया 0, ठीक है। और नीचे में भी क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 3 का पावर भी क्या हो गया 0। तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या रह गया, 2 का पावर -2, और किसी भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो क्या होता है, आंसर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ भी x का पावर 0 हो गया तो क्या हो गया, ये 1, और नीचे भी क्या हो गया 1, ठीक है। अच्छा देखिए तो सिर्फ ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ गया, 2 का पावर -2, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि अगर जब कोई भी नंबर का पावर अगर माइनस में रहे तो उसको अगर प्लस में लेना हो तो हम क्या करेंगे, बोलिए 1/1/2 का पावर, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 1/4, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।